हे गाइस गाइस वेलकम टू कंप्यूटर बेसिक ऑनलाइन कोर्स इन टेक फॉर यू सो आई होप आप लोगों को पिछला एपिसोड काफी पसंद आया होगा सो so आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में और मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं कि मेक नोट्स और गो टू द डिस्क्रिप्शन फॉर होल डाउनलोड पीडीएफ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से होल पीडीएफ को पूरा डाउनलोड कर लो सो so, आज का टॉपिक है हम लोगों का एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर Now that we know that characteristics of computer, we can see the advantages that computer offers. So computer क्या क्या advantages है वो हम लोग देखने वाले like क्या है वो एक ही task को बार बार accuracy के साथ computer कर सकते हैं Computer कभी भी tired या फिर bored महसूस नहीं करते कभी थकते नहीं है computers humans की तरफ Computer can take up routine task while releasing human resource more intelligent function. अपने so को human के ज़्यादा में functions करते हैं। so advantages हम लोगों ने देख डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो computers have no intelligence, like garbage in, garbage out, आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दोगे तो आपको रॉन्ग आउटपुट भी मिलेगा इट मीनस कंप्यूटर अगर आपको फाइव इंटू फाइव करना था और फाइव इंटू फोर आप लोगों ने फाइव की जगह लिख दिया तो इसके पास इतना इंटेलिजेंस नहीं है कि वो उसे सुधार सके दे फॉलो द द इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली विदाउट आउटकम। वो आपके इंस्ट्रक्शंस को ब्लाइंडली ले लेता है बिना आउटपुट को जाने बगैर रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इज नेसेसरी टू मेक कंप्यूटर वर्क हां डिसएडवांटेजेस हैं ये कंप्यूटर में कि इसको रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप कंप्यूटर को वर्क नहीं कर सकते विच कुड प्रोवाइड डिफिकल्टीवेयर स्पेशली इन डेवलपिंग नेशन लाइक अगर आप कहीं जा रहे हो आप ट्रेवल कर रहे हो एंड अगर आपको वहां इलेक्ट्रिक सप्लाई की नीड पड़ेगी सो दैट इलेक्ट्रिक सप्लाई टू कम्प्यूटर वर्क मेक नोट्स और गो टू द डिस्क्रिप्शन मैं बार बार बोल रहा हूँ की आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना पीडीएफ अगर आपको जरूरत हो सो so, हम लोगो ने देखा एडवांटेजेस लाइक like, क्या क्या एडवांटेज होते हैं क्या होते हैं कभी वो बोर्ड नहीं होते हैं टाइड नहीं होते हैं एक ही टास्क को रिपीटिटिवली सेम एग्रिशी के साथ बार बार कर सकते हैं एंड डिसएडवांटेज में हम लोगों ने देखा कि इसके पास इंटेलिजेंस नहीं होता है इसको रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई की नीड होती है एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आज का सबसे बड़ा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर द फर्स्ट कंडक्टिंग डिवाइस वॉज यूज बाय द प्रिमेटिव पीपुल पहला गिनती का जो डिवाइस था वो बहुत पुराने जमाने के लोग यूज करते थे दे यूज स्टिक्स स्टोन्स एंड बोन एस काउंटिंग टूल्स वो स्टिक्स को पत्थरों को और बोन्स को काउंटिंग टूल्स की तरह यूज करते थे एज ह्यूमन माइंड एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव विदा कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी बढ़ता गया माइंड बढ़ता गया उस तरह से नए नए कंप्यूटिंग डिवाइस स्टार्टिंग विदर्स्ट टू रिसब्ड बिलो सो स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेज डेवलप हुए वो हम लोग देखने वाले लाइक एवाकस नंबर वन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिन विदर्थ ऑफ एवाकस सो अगर मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो वो कहां से हुआ है begins? कहां से स्टार्ट हुआ है वो हुआ है बर्थ ऑफ एबाकस ना होता इट मीन्स कंप्यूटर को डेवलप होना इम्पॉसिबल सब मान लीजिए आप लोग कि सबसे पहला जो है वो क्या है इज बिलीव टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर और उसमें माना जाता था कि ये पहला कंप्यूटर है इट इज सेड दैट चाइनीज इन्वेंटेड एबाकस अराउंड

एबाकस कुछ इस तरह से दिखता था तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोगों को इतना डीप वे में मेंस के नहीं जाना है एंड जैसा कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी ये चाइना रसिया और जापान में यूज किया जाता है कैलकुलेशंस करने के लिए कौन सा कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशंस क्या होते हैं मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है प्रीवियस वीडियो में अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना ओके सो आगे बढ़ते हैं नेपियर बोन नेपियर बोन एबाकस के बाद आया इट इट अ आयानुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस कैल्कुलेटिंग इन्वेंटेड बाय जोन नेपियर से ऑफ नेपियर बोन को 1550 सो ईस्वी से लेकर 1617 सो ईस्वी तक मैचिस्टन में जोन नेपियर ने बनाया था इन दिस कैलकुलेटिंग टूल ही यूज नाइन डिफरेंट क्या करा था नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए बनाया था सो दूल बिकेम नोन एज ने इसलिए उसे नेपियर बोन नाम दे रखा था इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मशीन टू द यूज द डेमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट वाले कैलकुलेशन करने के लिए पहला टूल था कौन सा नेपियर बोन। और कुछ इस तरह से दिखता था सो आगे बढ़ते हम लोग पेस्कलाइन पेस्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज एर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन अब पेस्कलाइन को बोला जाता है एर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन क्योंकि ये इन्वेंट हुआ था सिक्सटीन से लेकर सिक्सटीन तक कहा फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसफर ब्लेज़ पास्कल के द्वारा इट इज बिलीव दैट इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और उस समय माना जाता था कि ये पहला मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था जिससे आप एथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे पास्कल इन्वेंटेड दिस मशीन टू हेल्प हिज फादर अ टैक्स अकाउंटेंट और ब्लेज़ पास्कल यह क्यों इन्वेंट करा था क्योंकि इनके पापा को इनके डैड को टैक्स अकाउंटेंट में मदद मिले इट कुड ओनली परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बट इसमें एक डिसएडवांटेज थी कि ये ओनली एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही कर सकता था इट वाज अ वुडन बॉक्स विद अ सीरीज ऑफ गियर्स एंड व्हील्स जैसा कि आप देख सकते हो ये बॉक्स था लकड़ी का और इस पे गियर्स थे और कुछ कुछ व्हील्स थे चक्की की तरह जैसा कि आप देख सकते हो इस फिगर पे When a wheel is rotated one revolution, it rotates the neighboring wheel. So basically होता क्या था कि एक wheel जो घूमता था वो सारे व्हील्स को एक ही साथ घुमाता था पर जितने भी टॉप में सीरीज लगाए हुए हैं वो हमारा आंसर होता था जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो हम लोग मैंने तो इसे यूज नहीं करा है शायद अभी भी यूज नहीं होता है ये क्योंकि ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन ओनली करता है बाकस यूज होता है अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था अबाकस अभी चाइना रशिया और जापान में यूज होता है बट ये

ये उतना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट मैंने कवर करा है बेसिक्स के लिए मैं आगे बढ़ता हूं डिफरेंस इंजन ये बहुत बड़ा पॉइंट है डिफरेंस इंजन डिफरेंस इंजन के वजह से ही आज इतना कंप्यूटर एडवांस लेवल तक आ पाया है डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को और चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था डिफरेंस इंजन बनाया था कब बनाया था 1820s में चार्ल्स बेबेज हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर डिजाइन द डिफरेंस इंजन इन द अर्ली एटीन ट्वेंटीज डिफरेंस इंजन वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर विच इज अ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सिंपल अब डिफरेंस इंजन में क्या एडवांटेज थी कि वो एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि कैपेबल था क्या करने में सिंपल कैलकुलेशंस करने में 1822 में इट वाज डिजाइन बाय चार्ल्स हु इज नोन एज बाइ चारोन मॉडर्न कंप्यूटर इट वाज अ स्ट्रीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन डिजाइन टू सॉल्व टेबल्स ऑफ नंबर्स लाइक एल्गोरिथम टेबल सो ये बहुत एडवांस लेवल पे भी ये कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता था डिफरेंस इंजन किसने बनाया था चार्ल्स बेबेज ने बनाया था आगे बढ़ते हैं एनालिटिक इंजन

फिर चार्ल्स ने ही एनालिटिकल इंजन को बना के बहुत बड़ा काम करा कंप्यूटर के फील्ड में इट वॉज ये कैपेबल होता था एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम और स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एज अ परमानेंट मेमोरी में जैसा कि आप देख सकते हो इस फिगर पे आप देख सकते हो कि किस तरह से एनालिटिकल इंजन दिखता था आगे बढ़ते हैं हम लोग टेब्यूलेटिंग मशीन इट वॉज ये एटीन में बनाया गया था किसके द्वारा होलरिथ के द्वारा और ये अमेरिका के स्टैटिस्टिशियन थे और ये अमेरिका के थे इट वॉज अ मैकेनिकल टेब्यूलेटर बेस्ड ऑन पंच कार्ड अब पंच कार्ड तो इन्वेंट कर दिया था चार्ल्स बेबेज ने अब वहां पंच कार्ड का यूज टेब्यूलेटिंग मशीन पे भी होने लगा इट कुड टेब्यूलेट स्टेटिटिक्स एंड रिकॉर्ड्स और शॉर्ट डाटा और इंफॉर्मेशन अब यहाँ पर ही हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया डाटा को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया परमानेंट मेमोरी पे दिस मशीन वॉज यूज इन एटीन नाइनटीन सेंसस ऐसे यूज करा गया एन नाइनटी पे ही जब ये रिलीज हुआ एंड कहा यूएस में सेंसस मेंल्सो स्टार्टेड दिथ टेबलिंग मशीन कंपनी विच लेटर बिकम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आई बी एम इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर अब यहाँ बहुत बड़ा पॉइंट गाइज है कि ये जो टेबलेटिंग मशीन कंपनी था ना वो अभी आगे जाके यही आई बन चुका है कब बना था 1924 ट्वेंटी फोर में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो इतना बड़ा कंपनी है वो कब से इन्वेंट हो रहा है एटीन नाइनटीन से आप समझ पा रहे मेरी बातों को गैस आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप देख सकते हो टेबलेटिंग मशीन कुछ इस तरह से दिखता था यहाँ फिगर पे आप देख सकते हो आगे बढ़ते हम लोग डिफरेंशियल एनालाइजर

बस के द्वारा दिस मशीन हैज वैक्यूम ट्यूब टू टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स परफॉर्म कैलकुलेशंस इस मशीन में वैक्यूम ट्यूब्स होते थे और स्विच होते थे जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को परफॉर्म करने में क्या मदद करते थे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में मदद करते थे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और स्विचेस को लाइक इट कुड डू 25 कैलकुलेशंस इन फ्यू मिनट ये 25 से भी ज्यादा कैलकुलेशंस को कर सकता था कुछ ही मिनटों में यह बहुत बड़ा रिवेंज था कंप्यूटर के फील्ड में आगे बढ़ते हैं हम लोग मार्क वन और लास्ट हमारा है मार्क वन नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इन नाइनटीन थर्टी सेवन सबसे बड़ा मेजर चेंज आया हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में नाइनटीन थर्टी सेवन में क्या जब वेन हाउ वी कैन प्लान टू डेवलप अ मशीन दैट कूड परफॉर्म कैल्कुलेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर अब यहाँ पर ही करा क्या ने कि ऐसा प्लान करा कि एक मशीन हो जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस लार्ज नंबर में इन्वॉल्व करके कैलकुलेशंस को कराया जाए एक ही कंप्यूटर में एक ही मशीन पे तो इन्होंने करा क्या इन 1944 मार्क वन कंप्यूटर वाज बिल्ड एज अ

मार्किंग न्यू एरा इन द कंप्यूटर वर्ल्ड और इतना बड़ा रिवेंज आने के कारण आज हम लोग देख सकते हैं, हैं। कैलकुलशन तो है। से दस गुना बढ़ के भारी भारी काम हम लोग कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन पे अपने टैब पे अपने पीसी पे, पी पे। आई होप तो ने क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने एडवांटेजेस पढ़ा डिसएडवांटेजेस पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में एबाकस पढ़ा नेपियर बोन पढ़ा पैस लाइन पढ़ा स्टेप वैकन और और लैबनिस व्हील पड़ा डिफरेंस इंजन पड़ा जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था एनालिटिकल इंजन इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने दो चीज बनाया बहुत बड़ा रिवेंज लाया कौन कौन सा डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन टेबुलेटिंग मशीन एंड हम लोग पढ़ा डिफरेंशियल एनालाइजर ये पढ़ा उसके बाद हम लोग मार्क वन हम लोगों ने पढ़ा मार्क वन बहुत सबसे बड़ा मेजर चेंज तो मार्क वन में ही आया गया आप लोग देख पा रहे होंगे की मार्क वन क्या करता था बहुत सारे कैलकुलेशंस को एक साथ और लार्ज नंबर में कर पाता था मार्क वन और ये पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था सो आई होप गाइज आप लोगों ने आज के टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो या फिर आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है मेक नोट्स और गो टू द डिस्क्रिप्शन फॉर डाउनलोड होल पीडीएफ आप इसका पूरा पीडीएफ चाहते हो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक मिल जाएगा आपको सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस मिलते हैं एपिसोड थ्री पे तब तक देखते रहिए एस टेक फॉर यू चैनल गुड बाय एंड टेक केयर